हिमालय का प्रवेश द्वार ऋषिकेश, जहां पहुंचकर गंगा पर्वतमालाओं को पीछे छोड़ समतल धरातल की तरफ आगे बढ़ जाती है। ऋषिकेश का शांत वातावरण कई विख्यात आश्रमों का घर है। उत्तराखंड में समुद्र तल से 1360 फीट की ऊंचाई पर स्थित ऋषिकेश भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में एक है। हिमालय की निचली पहाड़ियों और प्राकृतिक सुंदरता से घिरे इस धार्मिक स्थान से बहती गंगा नदी इसे अतुल्य बनाती है। ऋषिकेश को केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार माना जाता है। कहा जाता है कि इस स्थान पर ध्यान लगाने से मोक्ष प्राप्त होता है। हर साल यहाँ के आश्रमों की बड़ी संख्या में तीर्थयात्री ध्यान लगाने और मन की शांति के लिए आते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ऋषिकेश कुछ टाइम पहले गया था और ऋषिकेश लक्ष्मण झूला के पास मैं 4 दिन रुका था। तो आई होप फ्रेंड, मैं कोशिश करूँगा आपको ऋषिकेश टूर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे तरीके से बता पाऊँ। आई होप फ्रेंड्स, आप वीडियो का एंड तक ज़रूर देखेंगे ताकि आपको पता चल सके कि ऋषिकेश टूर आप इजिली कैसे कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ऋषिकेश पहुँचा कैसे जाए। फ्रेंड्स, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं ट्रेन से ऋषिकेश पहुँचने के लिए, तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो रेलवे की कनेक्टिविटी है वो डायरेक्ट ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से इतनी अच्छी नहीं है। तो इसके लिए आपको एक काम करना होगा, आपको हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा, वहां से आप ऋषिकेश इजीली पहुंच सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको 3 ट्रेन ऐसी बताऊंगा डायरेक्ट जो दिल्ली से ऋषिकेश के लिए आपको मिल जाएंगी। उदयपुर टू योग नगरी ऋषिकेश 16609 पुरानी दिल्ली से सुबह 3:25 पे चलती है और 8:45 पे आपको सुबह उतार देगी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर। दूसरी ट्रेन है योगा एक्सप्रेस 19031 जो कि ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलती है, सुबह 5:05 पर चलती है और ऋषिकेश आपको दोपहर में 12:30 उतार देगी। ट्रेन है दिल्ली टू ऋषिकेश डायरेक्ट जिसका नाम है उत्कल एक्सप्रेस 18477 जो कि हजरत निजामुद्दीन से दोपहर में 1:23 पर चलती है और ऋषिकेश आपको रात में 9:50 पर उतार देगी। आप भारत में किसी भी राज्य से हरिद्वार पहुंचना चाहते हैं तो रेल की कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से सभी राज्यों से जुड़ी हुई है। अगर आप दिल्ली से हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंचना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे कुछ ट्रेन्स के नाम बता देता हूँ। कोटा देहरादून एक्सप्रेस 12401 जो कि हजरत निजामुद्दीन से रात को 11:50 पर चलती है और सुबह हरिद्वार आपको उतार देगी 4:00। दूसरी ट्रेन है देहरादून जन शताब्दी 12055 जो कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दोपहर में 3:20 पर चलती है और हरिद्वार आपको 7:30 उतार देगी। देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस 12017 जो कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 6:45 पे सुबह सुबह चलती है और 11:30 आपको हरिद्वार पहुंचा देगी। उज्जैनी एक्सप्रेस 14309 हजरत निजामुद्दीन से सुबह 11:40 पे चलती है और शाम को आपको 5:15 पे उतार देगी। लोकमान्य तिलक टर्मिनस हरिद्वार एक्सप्रेस 12171 हजरत निजामुद्दीन से सुबह 6:55 पर चलती है और आपको 12:25 पे हरिद्वार उतार देगी। मुंबई बांद्रा टर्मिनस हरिद्वार एक्सप्रेस 19019 हजरत निजामुद्दीन से रात को 2:45 पे चलती है और सुबह 8:20 पे आपको हरिद्वार उतार देगी। मसूरी एक्सप्रेस 14041 जो कि ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलती है रात को 10:25 पे और आपको सुबह उतार देगी 6:25 पे। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ ट्रेन से जाने की फैसिलिटी हरिद्वार और ऋषिकेश। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब बात करें ट्रेन के किराए की, ये हरिद्वार तक का कितने होने वाला है। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ जनरल में आपको 110 रुपए से 150 रुपए की टिकट मिल जाएगी। उसके बाद आता है स्लीपर नॉन एसी 175 रुपए से 250 रुपए तक की आपको टिकट पड़ने वाली है। तीसरे नंबर पे है थर्ड एसी 500 रुपए से 600 रुपए की टिकट आपको पड़ने वाली है। सेकंड एसी 700 रुपए से 750 रुपए। फर्स्ट एसी 1200 से 1250 रुपए। तो फ्रेंड्स, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका बजट कितना है, तो आप उसी हिसाब से कैटेगरी में अपने ट्रेन से ट्रैवल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको ट्रेन से जाते हैं तो टोटल 7 से 8 घंटे आपको लगने वाले हैं हरिद्वार पहुंचने के लिए, और अगर आप डायरेक्ट दिल्ली टू ऋषिकेश जाते हैं तो आपको 8 से 9 घंटे लगने वाले हैं। फ्रेंड्स, अब बात आती है हरिद्वार से ऋषिकेश पहुंचा कैसे जाए।
हरिद्वार से आपके पास तीन ऑप्शन है, आप बाय टैक्सी, बाय शेयरिंग ऑटो और बाय बस जा सकते हैं। बाय टैक्सी आपको फेयर देना पड़ेगा 300 से 500 के बीच में, और शेयरिंग ऑटो लेता है 70 रुपीज़, जो कि आपको डायरेक्ट राम झूला और लक्ष्मण झूला उतार देगा। और थर्ड ऑप्शन है बाय बस, बाय बस आपको 35 से 60 रुपये लगने वाले हैं। दिल्ली से ऋषिकेश पहुंचने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे प्राइवेट बस, टूर एंड ट्रैवल मिल जाएंगे, इंटरसिटी स्मार्ट बस, जिंक बस, लक्ष्मी हॉलीडेज, सिटी लैंड ट्रैवल्स, रॉयल सफारी, इंडिया ट्रैवल, इस तरह की काफ़ी सारी आपको टूर एंड ट्रैवल दिल्ली टू ऋषिकेश की वेल कनेक्टेड बसेस मिल जाएंगी, जिसमें सारी बसेस आपको वॉल्वो मिलेंगी 2x2 सीटिंग, और अगर आप रात में जाना चाहते हैं तो आपको इसमें स्लीपर भी अवेलेबल मिल जाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ बात करें 2x2 वॉल्वो की सीटिंग की, तो यहाँ पे जो किराया रहता है वो 400 से 800 रुपये रहता है मंडे टू थर्सडे के बीच में। अगर आप वीकेंड्स में जा रहे हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे, तो किराया जो है 500 से 1000 के बीच में आपको पड़ने वाला है वॉल्वो सीटिंग का। फ्रेंड्स, बात करें सिंगल स्लीपर का, सिंगल स्लीपर का जो कॉस्ट होने वाला है वो 700 रुपये से 1000 रुपये के बीच में होता है, और डबल स्लीपर टू पर्सन का जो है उसमें आपको पड़ने वाला है 1600 रुपये से 2000 रुपये के बीच में वीकडेज में, और ये वीकेंड्स में हो जाता है 2000 से 2500 रुपए के बीच में टू पर्सन। दिल्ली टू ऋषिकेश डिस्टेंस 260 किलोमीटर आपको पड़ने वाला है बाय बस। दिल्ली टू ऋषिकेश आप 5 से 7 घंटे के बीच में पहुंच जाएंगे। ऋषिकेश में आपको ड्रॉपिंग पॉइंट 2 से 3 जगह मिल जाएंगे। सबसे पहला ऋषिकेश बस स्टैंड, दूसरा हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, तीसरा नेपाली फार्म सर्कल। अगर आपका ड्रॉपिंग पॉइंट नेपाली फार्म सर्कल है तो याद रखें, वहाँ से ऋषिकेश बस स्टैंड की जो डिस्टेंस है वो 15 से 17 किलोमीटर है, तो कोशिश ये करें ड्रॉपिंग पॉइंट जो है वो आपको सिलेक्ट करना है ऋषिकेश या फिर हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा। गवर्नमेंट बस की कनेक्टिविटी आपको दिल्ली में आनंद विहार और कश्मीरी गेट से मिल जाएगी। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं दिल्ली टू ऋषिकेश ऑर्डिनरी बस से जाने के लिए नॉन एसी से, तो उसका किराया आपको पड़ने वाला है 350 रुपये से 400 के बीच में। दिल्ली से जो वॉल्वो चलती है उसका किराया आपको पड़ने वाला है 563 रुपये से 800 रुपये तक के बीच में आपको पड़ जाएगा। गवर्नमेंट बसेस भी 6 से 8 घंटे में आपको दिल्ली टू ऋषिकेश पहुंचा देगी। ऋषिकेश बस स्टैंड पहुंचने के बाद आपको राम झूला और लक्ष्मण झूला कैसे पहुंचना है, इसके लिए आपको शेयरिंग ऑटो मिल जाएंगे बस स्टैंड के बाहर से ही, और शेयरिंग ऑटो जो है वो 20 रुपीज़ लेते हैं, चाहे आप लक्ष्मण झूला उतर जाइए चाहे आप राम झूला उतर जाइए, तो 20 रुपीज़ में आपको ऋषिकेश बस स्टैंड से तपोवन या फिर राम झूला पहुंच जाएंगे। आइए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं होटल्स की। होटल्स और आश्रम मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ आश्रम आपको कहाँ मिलेंगे। अगर आप रामझूला के पास उतरते हैं तो आपको यहाँ पे इजीली काफ़ी सारे आश्रम मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको कुछ आश्रम के नाम भी बता देता हूँ जहाँ पे आपको रूम्स अवेलेबल मिल जाएंगे और जहाँ पे आपको ज़्यादा पैसे भी देने की ज़रूरत नहीं है। शिवानंद आश्रम, परमार्थ निकेतन आश्रम, बाबा काली कमली आश्रम, गीता भवन, और ये सारे जो आश्रम हैं नियर राम झूला के पास हैं। और यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे फैमिली अलाउड है, ओनली फैमिली। इट मींस कि यहाँ पे सिंगल पर्सन को रूम्स अलाउड नहीं करते हैं, तो आप कोशिश करिए कि अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आप इजीली इन आश्रम में रुक सकते हैं। आपको बजट फ्रेंडली होटल्स मिल जाएंगे राम झूला, लक्ष्मण झूला और तपोवन में। तो ये सारी तीनों जगह आप देख सकते हैं कहाँ पे आपको सुटेबल लगता है रुकने के लिए, जहाँ से आप अपना एक्सप्लोर कर सकें। बात करें होटल के प्राइस की, तो यहाँ पे आपको 500 रुपीज़ से 3000 रुपीज़ के बहुत सारे रूम्स अवेलेबल मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, बात करते हैं हॉस्टल की। अगर आप यहाँ पे सोलो ट्रैवल या बैकपैकर हैं तो यहाँ पे आपके लिए बहुत बेस्ट होने वाला है। यहाँ पे आपको रूम्स भी अवेलेबल मिल जाएंगे बजट में, और अगर आप रूम्स नहीं लेना चाहते प्राइवेट रूम्स, तो आपको यहाँ पे डॉर्मेट्री बंक बेड की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। मैं यहाँ पे आपको काफ़ी सारे हॉस्टल के नाम बता सकता हूँ जिनमें आप जाके रुक सकते हैं। गोस्ट स्टॉप, शैलोम बैकपैकर्स, मुस्टैक ऋषिकेश, ब्लू जॉय हॉस्टल, शिव शक्ति हॉस्टल, लिफ्री हॉस्टल, इंडियन कल्चर, हैशटैग हॉस्टल, यूबेक्स होम। तो ये सारे हॉस्टल आपको ऋषिकेश में मिल जाएंगे अगर आप सोलो ट्रैवल हैं या बैकपैकर आप चाहते हैं कि आपको डॉर्मेट्री में स्टे करना है। बात करें यहाँ पे डॉर्मेट्री की, बंक बेड की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 150 रुपीज़ से 1000 रुपीज़ जाने वाला है एज पर द फैसिलिटी। सारे हॉस्टल्स में अलग अलग फैसिलिटी अवेलेबल है, तो उन्हीं के हिसाब से उनके प्राइस भी होने वाले हैं। और सारे हॉस्टल आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जो ऑनलाइन बुकिंग करती हैं, अगोड़ा, booking.com, make my trip,
तो ये सारी आपको वेबसाइट पे हॉस्टल्स अवेलेबल मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप फैमिली के साथ एक्सप्लोर करना चाहते हैं ऋषिकेश, तो यहाँ पे आपको मैं एक ऑप्शन बताऊंगा। आपको लक्ष्मण झूला और राम झूला के पास दो टैक्सी स्टैंड मिल जाएंगे। ऋषिकेश में आप घूमने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है स्कूटी और बाइक रेंट पे लेने का। अगर आपको स्कूटी या बाइक चलानी नहीं आती है तो यहाँ पे आप बाय टैक्सी भी घूम सकते हैं, और अगर आप टैक्सी से नहीं जाना चाहते तो यहाँ पे आप लोकल ऑटो भी कर सकते हैं, जिसका किराया आपको 20 रुपीज़, 30 रुपीज़, 40 रुपीज़ होने वाला है पर पर्सन का, अगर आप शेयरिंग ऑटो से घूमना चाहते हैं ऋषिकेश एरिया तो। और यहाँ पे बात करें ऋषिकेश में बाइक स्कूटी रेंट की, तो ये स्टार्ट हो जाता है स्कूटी 400 रुपये से लेके 500 रुपये में आपको स्कूटी मिल जाएगी, और बाइक का जो रेंट है वो 500 रुपये से 800 रुपये के बीच में है। हिमालयन आपको मिल जाएगी यहाँ पे 1500 रुपये से 2000 रुपये के बीच में। बुलेट आपको मिल जाएगी 1000 से 1500 के बीच में। हिमालयन आपको 1700 से 2000 रुपये के बीच में मिल जाएगी। यहाँ पे आप ऋषिकेश के टूरिस्ट प्लेसेस एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पर पर्सन के हिसाब से शेयरिंग टैक्सी भी मिल जाएगी, और अगर आप पूरी टैक्सी बुक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको टैक्सी भी बुकिंग हो जाएगी। योग नगरी में काफी कुछ घूमने के लिए है। यहाँ पे मैं आपको कुछ टूरिस्ट प्लेसेस बता सकता हूँ जो आप इजीली आप विजिट कर सकते हैं। पहला है राम झूला, लक्ष्मण झूला, जानकी सेतु पुल जिसको सीता पुल के नाम से भी जाना जाता है, परमार्थ निकेतन आश्रम, त्रिवेणी घाट, द बीटल आश्रम, हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, कुंजापुरी देवी टेम्पल जो सनराइज के लिए भी बहुत फेमस है ऋषिकेश में, नीरगढ़ वाटरफॉल, शिवानंद आश्रम, पटना वाटरफॉल, स्वर्ग आश्रम, ये सारे टूरिस्ट प्लेसेस आप एक्सप्लोर कर सकते हैं बाय स्कूटी, बाइक, टैक्सी और पर्सनल व्हीकल से विजिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप वॉकिंग घूमना चाहते हैं लक्ष्मण झूला, राम झूला और जानकी सेतु जिसे सीता पुल के नाम से भी जाना जाता है, तीनों पुल जो है ये 2 से 3 किलोमीटर रेडियस में है, आप वॉकिंग भी घूम सकते हैं। यहाँ पे आपको मार्केट एक्सप्लोर करने का मौका मिल सकता है, राम झूला मार्केट, लक्ष्मण झूला मार्केट, हैंड प्रिंटेड टी शर्ट, वुलन एंड क्राफ्ट शॉप मिल जाएंगी, भगवान की मूर्ति, अगरबत्तियां, ऑयल, ऑथेंटिक रुद्राक्ष, रिंग्स, यूनिक वुड आइटम, क्लोथ्स, ज्वेलरी एंड लोकल स्पाइसेस आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। अपने योगा के लिए बहुत फेमस है मेडिटेशन के लिए, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ आश्रम बताने वाला हूँ जहाँ पे योगा कराया जाता है। परमार्थ निकेतन आश्रम, शिवानंद आश्रम, साधना मंदिर, योग निकेतन, ओमकारनंद गंगा सदन, स्वामी दयानंद आश्रम, प्रकाश आश्रम, हिमालयन योगा आश्रम, श्री महेश हेरिटेज, ओशो गंगा धाम आश्रम, ये सभी आश्रम में आपको योगा करने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, बात करें स्ट्रीट फूड की, तो यहाँ पे स्ट्रीट फूड काफी अच्छा आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट, कैफेज आपको बहुत सारे मिल जाएंगे लक्ष्मण झूला के पास, राम झूला के पास। जो सबसे ज्यादा फेमस मैंने देखा फ्रेंड्स, लिटिल बुद्धा कैफे, लाबेला कैफे एंड रेस्टोरेंट, टैट कैफे, चैटसंग कैफे, फ्री स्पिरिट कैफे, फ्रीडम कैफे, गंगा व्यू कैफे, ओएसिस कैफे एंड जर्मन बेकरी, ये सब राम झूला और लक्ष्मण झूला के पास आपको मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप ऋषिकेश में होटल या आश्रम नहीं लेना चाहते तो यहाँ पे आपके लिए एक और ऑप्शन है कैंप। दो आपको मैं लोकेशन बताने वाला हूँ जो ऋषिकेश में कैंप बहुत ज्यादा फेमस है। पहला लोकेशन है मोहन चट्टी में, यहाँ पे आपको बहुत सारे कैंप मिल जाएंगे, दोनों ही साइड आपको गंगा के पास कैंप। शिवपुरी में गंगा के पास मिलने का चांसेस कम है, क्योंकि शिवपुरी में गंगा के पास से काफी सारे कैंप्स जो हैं वो ऊपर साइड पे हिल्स पे पहुंचा दिए गए हैं। 20 से 25 किलोमीटर आपको ऊपर जाने के बाद शिवपुरी में आपको कैंप्स काफी सारे मिल जाएंगे। और मोहन चट्टी और गरुड़ चट्टी का जो लोकेशन पॉइंट है जहाँ पे आपको कैंप मिलेंगे वो लक्ष्मण झूला से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पे है, और मोहन चट्टी गरुड़ चट्टी का जो वे है ये आपको लक्ष्मण झूला से जो नीलकंठ का रास्ता है वो इस रास्ते में जाना पड़ेगा, यानी कि आपको 10 से 15 किलोमीटर नीलकंठ वाले रास्ते पे जाएंगे तो वहां पे आपको काफी सारे कैंप्स स्टार्ट हो जाएंगे। बात करते हैं, यहाँ पे आपको दो तरह के कैंप मिल जाएंगे, एक स्टैंडर्ड कैंप है और दूसरा लग्जरी कैंप है। यहाँ पे आपको 3 पर्सन का कैंप मिल जाएगा, 2 पर्सन का कैंप मिल जाएगा, 3 पर्सन के रुकने वाले कैंप का जो कॉस्ट रहेगा वो आपको 700 रुपये से 1000 रुपये पर पर्सन रहेगा, और 2 पर्सन का जो कैंप है उसका कॉस्ट आपको 1000 रुपये से 2000 रुपये के बीच पड़ने वाला है एज पर द फैसिलिटी। कौन सा कैंप आपको किस तरह की फैसिलिटी दे रहा है वो इस तरह का आपको प्राइस पर पर्सन पड़ने वाला है, और ये भी आप चेक कर सकते हैं कौन से कैंप में आपको पूल की फैसिलिटी मिलने वाली है। अगर आप समर में जा रहे हैं तो पूल भी आप यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप कैंप में जाते हैं तो यहाँ पे आपको तीनों टाइम का मील इंक्लूड है, प्लस
शाम का स्नैक्स भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग बहुत फेमस है। यहाँ पे रिवर राफ्टिंग के मैं आपको 4 स्लॉट बताऊंगा जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है। इसमें आप कोई भी स्लॉट ले सकते हैं। पहला डिस्टेंस जो है ब्रह्मपुरी टू रामझूला मिलने वाला है, जिसका डिस्टेंस 9 किलोमीटर रहता है और इसकी जो प्राइस रहता है वो 300-400 रुपीज के बीच में पड़ने वाला है। सेकेंड डिस्टेंस जो है शिवपुरी टू रामझूला, जिसका डिस्टेंस है 16 किलोमीटर और इसका कॉस्ट जो रहने वाला है वो है 400-800 रुपीज। और थर्ड जो डिस्टेंस है वो है मरीन ड्राइव टू रामझूला, जिसका डिस्टेंस 26 किलोमीटर होता है और इसका प्राइस आपको पड़ने वाला है 700-1500 रुपये। सबसे लंबी राफ्टिंग जो है ऋषिकेश में वो 35 किलोमीटर की होती है। जहां से वो स्टार्ट होती है उसका नाम है कोडियाला विलेज टू रामझूला। यहां पे आपको 35 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे और इसकी जो कॉस्ट होने वाली है वो पर पर्सन 2000-2500 रुपये की होने वाली है। फ्रेंड्स, ये जो सारे आपको कॉस्ट मैंने बताई ये पर पर्सन है। ब्रह्मपुरी टू रामझूला जो स्ट्रेच है, ये जो डिस्टेंस है 9 किलोमीटर का है, इसमें आप फैमिली स्ट्रेच है, फैमिली इजीली जा सकते हैं, जिसमें किड्स की जो एज होनी चाहिए वो 12 साल होनी चाहिए, कम से कम एज जो है 12 साल की है, ये फैमिली स्ट्रेच है। फ्रेंड्स, अगर आप ज़्यादा लोग जा रहे हैं, अगर आप ग्रुप में हैं और रिवर राफ्टिंग करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे शॉप पे जाकर के किसी भी शॉप में आपको बहुत सारी शॉप वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी, जहाँ पे आप उनसे बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो बार्गेनिंग नहीं करते। अगर आप ज़्यादा लोग हैं, 5 या 8 या 10 लोग हैं, तो आप इजीली उनसे बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सेकंड मोस्ट एडवेंचर एक्टिविटीज़ यहाँ पर जो है वो बंजी जंप है। बंजी जंप का आपको मैं प्राइस बताने वाला हूँ। बंजी जंपिंग का जो प्राइस है वो ये है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थर्ड नंबर पे आता है जिपलाइन एडवेंचर एक्टिविटी। जिपलाइन यहाँ पे अक्रॉस द गंगा एक ही कंपनी कराती है, जिस कंपनी का नाम है गंगा जिप एडवेंचर। एज 10-17 ईयर्स है तो 1600 रुपीज़ कॉस्ट पड़ने वाली है, 1600 रुपये। और अगर एज आपकी 18 या 18 साल से ऊपर है तो आपको इसके लिए 1800 रुपये देने पड़ेंगे। फ्रेंड्स, गंगा जिप एडवेंचर की टाइमिंग की बात करें, समर में इसका टाइम 8:30 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक होता है और विंटर्स में यही टाइमिंग 9:30 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे तक होता है। फ्रेंड्स, ऋषिकेश में आपको थ्रिल फैक्ट्री एडवेंचर करके वहाँ पे आपको काफ़ी सारी एडवेंचर एक्टिविटी भी कर सकते हैं, जिसमें आपको एक्टिविटी में आपको कुछ एक्टिविटीज़ बता देता हूँ। आप इंटरनेट पे जाके देख सकते हैं थ्रिल फैक्ट्री एडवेंचर के बारे में, जो कि लक्ष्मण झूला से 10 किलोमीटर पे शिवपुरी के रास्ते में पड़ती है। इसमें आपको एडवेंचर जो है रिवर्स बंजी, रोप कोर्स, बॉलिंग, क्रिकेट, आर्चरी, पूल टेबल मिलने वाला है। फ्रेंड्स, आप राम झूला, लक्ष्मण झूला और जानकी सेतु, सीता पुल घूमने के बाद शाम को आप लाइव गंगा आरती के दर्शन भी कर सकते हैं। ऋषिकेश में गंगा आरती 2 जगह की फेमस है। पहला है परमार्थ निकेतन आश्रम घाट, सेकंड है त्रिवेणी घाट। जिस गंगा घाट की आपको आरती अटेंड करनी है वो आरती आप अटेंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं इस टाइप का कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरा इसी टाइप का कंटेंट आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन बटन दबा सकते हैं ताकि आने वाले सारे वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं ऋषिकेश में टूरिस्ट प्लेसेस पे कहीं पे भी, रात के 8 बजे के बाद जो है शेयरिंग ऑटो बंद हो जाते हैं। 8 बजे के बाद आपको किसी भी प्लेस पे जाने के लिए आपको 300 रुपीज़ देने पड़ेंगे, 300 रुपये। तो कोशिश करना, अगर आप कोई भी प्लेसेस एक्सप्लोर कर रहे हैं तो 8 बजे से पहले पहले शेयरिंग ऑटो आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। 8 बजे के बाद आप किसी भी ऑटो में जाते हैं तो उसके लिए आपको 300 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो ये बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मैंने ऋषिकेश की 28 वीडियोस टोटल बनाई हुई हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। होटल्स, कैफेज, ज़िपलाइनिंग, राफ्टिंग, बाइक ऑन रेंट, इस तरीके की काफ़ी सारी वीडियोस मैंने बनाई है ऋषिकेश में। अगर आप सारी वीडियोस देखते हैं उससे काफ़ी सारी आपको हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं वीडियो आपको कैसी लगी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन बटन दबा सकते हैं ताकि आने वाले वीडियो को सभी अपडेट आपको मिलते रहे। ओके फ्रेंड्स, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और एक नई वीडियो के साथ।